हाँ जी, अंजन कहते हैं काजल को। काजल में होती है कालिमा, कालापन, नहीं अंजन। अर्थात जिसमें कोई प्रकार का कालापन है न हो, निश माने निश्चेष, जिसमें कोई प्रकार का कालापन न हो उसे कहते हैं निरंजन। काला कहते हैं पाप को। जितने भी निशाचर होते हैं कैसे रंग के दिखाते हैं, काले रंग के। तो निरंजन का मतलब है पाप रहित, निरंजन निराकार निर्विकार। पापा, मुरली में कुक्कड़ ज्ञानी आए हैं लेकिन कुक्कड़ योगी भी होते हैं देहात में। जो कुक्कड़ योगी होगा वो कुक्कड़ योगी बनावेगा, कुक्कड़ ज्ञानी होगा तो क्या बनावेगा, कुक्कड़ ज्ञानी बनावेगा। कुक्कड़ कहा जाता है कुक्कुट को, संस्कृत में कुक्कुट शब्द है मुर्गा के लिए। मुर्गा क्या करता है, मुर्गा सांप को जगा देता है सवेरे, और सांप को जगाने के बाद खुद सो जाता है। ये भी करता है कि बार बार जगा देता है और बार बार सो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब बेहद में क्या हुआ, यहाँ ब्राह्मण बच्चे भी कुक्कुट के समान हैं बहुत से, जिनकी लगाव तो नहीं है परमात्मा में, क्योंकि विकारों में जाने की लगन लगी हुई है, देह अभिमान से लगाव है, तो भगवान से लगाव तो हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो भगवान से असली लगाव न होने के कारण अंदर से ज्ञान तो सुनते हैं, ज्ञान बल तो है, ज्ञान में आ गए हैं, ज्ञान का बल मिलता है, उमंग उत्साह मिलता है, तो झटाक से जग पड़ते हैं। और फिर बांग लगाई और सो गए, ऐसे बार बार होता रहता है। ये कौन सी आत्माओं को होता है, है? कौन सी आत्माओं को होता है, है? विधर्मी आत्माओं को होता है। इसलिए जो दूसरे धर्म के राजाएं होते थे वो अपने ताज में मुर्गे का पंख लगाते थे। क्या उनके ताज में क्या दिखाया जाता है, मुर्गे का पंख दिखाया जाता है। कृष्ण को मोर का पंख दिखावेंगे और उनको मुर्गे का ताज दिखाया हुआ है। बार बार जगना और बार बार अज्ञान नींद में सो जाना। बाप बार बार आकर के जगाते हैं और माया उनको बार बार सुलाई देती है। भारत झूठखंड बनता है, माना कीमत भूल जाता है, एक कब से होता है भाई? Thank you.
भारत सच्चखंड था, किसने बनाया है? सत बाप ने आकर के सच्चखंड बनाया। सत्संग तारे और कुसंग बोले, तो सत्य बाप को, सत्य का ही संग मिलता है आदि से अंत तक, कि असत्य का भी संग मिलता है? अरे आदि से अंत तक, आदि से अंत तक असत्य का संग मिलता है, सत्य का संग मिलता ही नहीं। बाप अकेला ही सत्य होता है। हाँ, बाप अकेला सत्य होता है। भारत को सत्य बाप मिलता है, भारतवासियों को भी मिलता है, मिलता तो है ना। लेकिन भारतवासी या भारत सदैव सत्य के ही संग में रहते हैं कि असत्य का भी संग मिलता है? मिलता है ना। क्या बाप ने डायरेक्शन दिया है कि असत्य का संग करो? हाँ? नहीं, डायरेक्शन तो नहीं दिया है कि असत्य का संग करो, लेकिन ये जरूर कहा है कि सारी दुनिया को संदेश देना है। क्या? सारी दुनिया को बाप का परिचय देना है। कोई ये न कहे कि भगवान बाप आया और हमको नहीं बताया। तो सर्विस फील्ड में जब उतरते हैं तो बहुत चौकन्ना होके वो उतरना चाहिए या ढीला डाला होके उतरना चाहिए? उससे क्या फायदा होगा? चौकन्ना होके नहीं उतरेंगे तो क्या नुकसान होगा? हाँ, अगर बाप की याद भूले और नशे में आ गए, मैं अपना ज्ञान सुना रहा हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, तो उसे रिजल्ट क्या होगा? है? जिनको सुनाने जाएंगे उनमें भी अहंकार भरा हुआ है, और हम बाप के बच्चे होकर भी अहंकार का पोषण कर रहे हैं अंदर, तो अहंकार अहंकार दोनों मिलेंगे। एक और एक मिलके कितना गुना हो जाएगा? 11 गुना हो जाता है। इसलिए बाप कहते हैं कि सेवा भी करो, कोई कर्म भी करो, कुछ भी करो, मेरी याद में रह करके कर्म करो। अब उसमें फिर नंबर वार हो जाते हैं, कोई तो खूब अच्छी मेहनत करते हैं, खुद चौकन्ने रहते हैं, कहीं कोई हमको हार न खिला दे। उनके संग का रंग हमको न लग जाए, कहीं दूसरों से हम प्रभावित होकर के उनकी प्रजा न बन जाए। क्योंकि हम बाप का ज्ञान जब सुनाते हैं तो वो भी तो काट करते हैं कि नहीं करते हैं? हैं? करते हैं। अगर हम बाप की याद में सुना देंगे तो बाप हमको सहयोग देंगे, अगर हम अपने अहंकार में आ गए तो बाप तो साथ देगा नहीं? साथ देता, साथ नहीं देता है तो अंजाम क्या होता? हम उनके प्रभाव में आ जा करके उनकी प्रजा बन जाते। जब प्रजा बन गए तो शूटिंग हो गई। तो ऐसे भारत अथवा भारतवासी, कोई तो बड़े लड़ैया महुवे वाले, बड़े ही लड़ने वाले हैं, और कोई हिम्मत हार जाते हैं जल्दी। तो जो जल्दी हिम्मत हार जाते हैं
वो जल्दी कन्वर्ट हो जाते, और जो जल्दी हिम्मत नहीं हारते, विधर्मियों से लड़ते रहते हैं, माया खाती तो सबको है, संग का रंग लगता तो सबको है, कोई को पहली चपेट में ही लग जाता है और कोई को बाद में लगता है। जो अष्ट देव है वो भी माया की लपेट में आ जाते हैं। अष्ट देवों में जो सात हैं वो भी और धर्मों में गिर जाते हैं। एक है जो सृष्टि के एकदम आदि में भी विष्णु था और अंत में भी, आदि तो अंत, नो विष एट ऑल, विष नहीं रहता है, लेकिन जब शूटिंग का काम चलता है तो शूटिंग के पीरियड में जो शक्ति है संग के रंग लेने की अथवा संग का रंग देने की, वो शक्ति दूसरों की सेवा करने से घट सकती है अगर बाप की याद न रही तो। ये तो पक्का है कि जम दे जाम दे तो कोई होता ही नहीं है कि हथेली पे आम उगाए और फट से फल आ जाए, ऐसा कोई हो सकता है पुरुषार्थ करने वाला है? नहीं हो सकता। तो उस लिस्ट में भारत भी है, भारत की आत्मा भी जो है वो जन्मण के चक्र में पहले आती है। कब तक? उसका भी जन्मण के चक्र का फाउंडेशन पड़ता है। कब? आदि में, आदि से लेकर के और जब तक बाप प्रत्यक्ष न हो, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष न हो, तब तक उसको भी संग का रंग लगता है, क्योंकि वो है देवताओं में, जो भी 33 करोड़ देवताएं हैं उनमें श्रेष्ठ देवताएं कौन? 8। और 8 में भी श्रेष्ठ कौन गिने जाते हैं? है? क्योंकि 8 की भी कैटेगरी है, जो 8-9 हैं उनकी भी कैटेगरीज हैं। सारी दुनिया की मुख्य 3 कैटेगरी है, झाड़ में भी 3 कैटेगरीज है, एक है थुर भाग, देवी देवता सनातन धर्म का पक्का भाग जो आज से लेकर अंत तक अपने धर्म में पक्का रहता है, दूसरा है वो जो दाई ओर के भारतीय धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, और तीसरे वो हैं जो बाई ओर के विदेशी धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह 3 प्रकार की आत्माएं हैं। एक शंकर समान अधिक, आदि से अंत तक अपने धर्म के पक्के, किसी भी जन्म में कन्वर्ट होने वाले नहीं, अगला जन्म लेके कन्वर्ट हो जाए उसे कन्वर्शन नहीं कहा जाता, इसी जन्म में जन्म लें जहां जिस कुल में और फिर दूसरे कुल में कन्वर्ट हो जाए उसको कहा जाता है कन्वर्शन। एक ग्रुप है जो कभी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होता, दूसरा ग्रुप है ब्रह्मा सरस्वती जैसी वो आत्माएं जो बच्चों के प्रभाव में आती रहती है, दाई ओर के धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तीसरा ग्रुप वो है जो बाई ओर के धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए 3 देवताएं नियत हैं,
तीनों वर्गों के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा ब्रह्मा ब्रह्मा किस वर्ग में है? हाँ, नीचे के तबके में तो है, लेकिन कन्वर्शन में है, प्रभावित होने वाला है या नहीं है? कौन से धर्मों में है? जो भी भारतीय धर्म है, बौद्धि, सन्यासी, सिख आदि, उन धर्मों में कन्वर्ट होने वाला अथवा प्रभावित होने वाला है। और ये भारतीय धर्म ऐसे हैं क्योंकि ब्रह्मा की औलाद है, तो कमजोर की औलाद है या पावरफुल की औलाद है? है कमजोर की औलाद है। चलो, भारतीय धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं वो ब्रह्मा के फॉलोअर्स हैं, और जो विदेशी धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं वो किसके फॉलोअर हैं? है? वो उसके फॉलोअर है जिसको मुरली में मना किया गया है। किसको फॉलो नहीं करना है? किसके फॉलोअर है? शंकर के फॉलोअर है, इसलिए उल्टा रास्ता पकड़ लेते हैं, वाम मार्ग में चले जाते हैं। और तीसरा ग्रुप वो है जो आदि से अंत तक अपने धर्म का पक्का है। तो ये तीन देवताएं हैं, 37 करोड़ में मुख्य माने जाते हैं, मुखिया। उनमें महादेव वो कहा जाता है जो अष्टदेवों में भी श्रेष्ठ है, और फिर सारी मनुष्य सृष्टि के तीन ग्रुपों में भी श्रेष्ठ है। तो वो महादेव वाली जो आत्मा है वो 84 जन्मों में टकराती तो है विधर्मियों से, हार नहीं खाती, लेकिन उसका भी नूद है माया के प्रभाव में प्रभावित होने का, संग के रंग में आने का। तो सारी दुनिया एक तरफ और दूसरी आत्मा एक तरफ, ये कौन से युग में होता है? द्वापर कलयुग में तो फिर भी जो देवी देवता सनातन धर्म के प्रायः लोप हैं, वो तो साथ देंगे या नहीं देंगे? साथी बनते हैं या नहीं बनते हैं? वो तो साथी बनते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम संगम युग एक ऐसा युग है जिसमें भगवान बाप को प्रत्यक्ष होना है मुकर्रर रथ के द्वारा, और उसकी ये पहचान है क्योंकि भगवान को क्या कहा जाता है? कैसा शक्तिवान? सर्वशक्तिवान। सर्वशक्तिवान का मतलब जितने भी सर्व हैं, कितने हैं सर्व? 500-700 करोड़। वो सब एक तरफ और वो एक तरफ, फिर भी विजय किसकी होनी है? उस एक की विजय होनी है, इसलिए कहा जाता है सर्वशक्तिवान। तो जब सारी दुनिया एक तरफ हो जाती और दूसरी आत्मा दूसरी तरफ हो जाती, वाइब्रेशन का युद्ध होगा या नहीं होगा? है? वाचा का युद्ध होगा या नहीं होगा? होगा। कर्मेंद्रियों का भी युद्ध होगा या नहीं होगा? होगा। तो एक आत्मा, उसकी परीक्षा होती है या नहीं होती है? होती है। उस परीक्षा में शिव बाप पार्शियल बनता है या नहीं बनता है? पार्शियल बनता है। शिव बाप पक्षपाती बनता है या नहीं बनता है? पक्षपाती नहीं बनता
अभी कहते बनता है एकदम पैतरा बदल गया है। पार्शियल का अर्थ नहीं समझो, बोलते क्यों हो फिर? पूछ लो पार्शियल का अर्थ क्या है। तो शिव बाप पक्षपाती नहीं बनता, पक्षपाती टीचर नहीं है, पूरी परीक्षा लेता है। तो सारी दुनिया जब एक तरफ हो जाए और सुप्रीम सोल भी सहयोगी न रहे परीक्षा के समय, और माया का पूरा वार हो, तो हार खाएगी माया से, हार खाएगी या नहीं खाएगी? खाएगी। तो वो आत्मा भी हार खा जाती है। इसलिए राम आखिरी में क्या बन जाता है? रावण बन जाता है। तो प्रश्न था किसी भाई का, एक बार रिपीट करो उसे। भारत झूठन बनता है, महा कीमत भूल जाता है। हाँ, क्यों भूल जाता है श्रीमत? जब दूसरों की सेवा की जाती है, सेवा फील्ड में जाते हैं, तो अगर बाप को भूल जाते हैं तो क्या होता है? श्रीमत के विपरीत चले जाते हैं या श्रीमत पर दृढ़ रहते हैं? श्रीमत के विपरीत चले जाते हैं। अब कोई में ज्यादा ताकत है तो लंबे समय तक टिका रहेगा। ज्यादा ताकत इसलिए है कि संगम युग में बाप की याद की ताकत बहुत भरी है, बहुत प्रैक्टिस की है। किसी ने कम प्रैक्टिस की है, कम प्रैक्टिस की है तो ताकत कम चलेगी, माया जल्दी अधिकार में ले लेती है। तो दुनिया में ऐसा कोई अहंकार न करे कि माया हमको जीत नहीं सकती। कोई है ऐसा? है नहीं है? यज्ञ के आदमी ही क्या हुआ है? कौन फेल हुआ? किसका गायन है? है राम फेल हुआ। तो जो आदमी हुआ तो अंत में नहीं होगा है? होगा। ताली बजाओ। अरे हंस दे रहे, ताली नहीं बजा रहे। झूठ शुरू हो जाता जब कमजोर बन जाती और माया उसके ऊपर जीत पहन लेती, राम को ही रावण बना देती, तो वो शक्तिशाली आत्मा है ना। दुनिया में जितने भी हैं मनुष्य आत्मा है, सब तमोप्रधान बनती है। कृष्ण से कंस बन जाती है, राम से रावण बन जाती है। वो कम परसेंटेज में बनती है या 100% में बनती है? 100% राजा का बड़ा बच्चा हो और प्रजावर्ग के बड़े बच्चे हो और दोनों ही कुसंग में जाएं, तो ज्यादा कौन बिगड़ेगा? ज्यादा नुकसानदायक कौन बनेगा? राजा का बड़ा बच्चा ज्यादा नुकसानदायक बनेगा। ऐसे ही जब राम वाली आत्मा रावण बनती है तो फिर दुनिया कलास हो जाएगी। और एक मिनट है। काशी मार्ग में काशी की यात्रा बिना गंगा स्नान के पूर्ण नहीं मानी जाती है, तो काशी और गंगा का जो आपस में संबंध है उसका बेहद में क्या अर्थ है? बेहद में अर्थ है, उसका नाम है वाराणसी। क्या नाम है? वाराणसी। वरुणा नदी जब गंगा तलवार का रूप धारण करती है, असी माने तलवार, जब गंगा वरुणा से मिलती है तो कौन सा रूप धारण करती है? असी तलवार का रूप धारण कर लेती है, तब उसका नाम पड़ता है
वाराणसी, तब कहेंगे कि वरुणा नदी भी कंप्लीट काशी बन गई। अभी काशी नगरी का फाउंडेशन लग रहा है क्या? अभी 100% काशी को अर्थात योग के तेज को धारण करने वाला अभी नहीं कहेंगे। लेकिन बोला है कि हर वाक्य आपने सुनते आते हैं कि कृपाल उत्सव बाद में खुलेगा, तो कब खुलेगा? मैं ये प्रश्न आपका पर्सनल है कि सबका है? वार्तालाप की बात छोड़ो, पहले अपनी बात बताओ, खुला है कि बंद है? तो दूसरों को आपने कैसे समझ लिया कि दूसरों के लिए भी खुला हुआ नहीं है, बंद है? और वास्तव में देखा जाए तो किसी के लिए खुला हुआ नहीं है पूरा। क्या किसी के लिए पूरा खुला हुआ नहीं है? अगर पूरा खुला हुआ कहे तो आखिरी पेपर में, फाइनल पेपर में माया क्या करेगी? हरा सकेगी है? नहीं हरा सकेगी। और गांधार को 100 पुत्र थे तो, और गांधार कौन है? जो गंदे कर्म करे, गंद को धारण करे, तो गंधारी। आप शब्द को देखते ही नहीं, गंध धारी दोनों को मिलाओ तो क्या हुआ? गंधारी। हाँ ये ठीक है। 100 पुत्रों की क्या गंध है? 100 पुत्रों का क्या रहस्य? 100 पुत्रों का ये रहस्य है कि माला में मणके कितने हैं? 108। उसमें जो धर्मराज से सजा नहीं खाते वो कितने? 8। और बाकी जो गंदे कर्म करने वाले हैं वो कितने रह गए? 100। तो उन्होंने 100 गंदों को धारण कर लिया। क्या? उन 100 गंदों को गर्भ में धारण कर लिया और 8 को छोड़ दिया। कौन है? इंदिरा गांधी। अरे जो गंध धारण करेगी उसके दिल के अंदर गंध भरा रहेगा कि नहीं? अंदर से डर बना रहेगा कि नहीं? है पता नहीं मेरी पोल पट्टी कब खुल जाए। वो ज्ञान के लेके वापस तो पता नहीं इंदिरा गांधी ने सही छोड़ दिया। कुबेर जो है वो धनवानों में सबसे जास्ती धनवान माना जाता है। अब वो शास्त्रों की बात है, जो शास्त्रों में जो बातें आई हैं कहाँ की हैं? संगम युग की जो भी बातें हैं वो बेहद की हैं या हद की हैं? हैं? बेहद की हैं। तो जो बेहद की बातें हैं उन बेहद के देवताओं में एक नाम कुबेर का भी है। क्या क्या नाम दिया? कु माने खराब है। और कहते हैं देर अबेर। क्या? एक तो देर हो जाए, देर अबेर हो जाए,
कभी देर हो जाए कभी न हो जाए, तो उसका नाम है कुबेर। क्या टाइम से कनेक्टेड है? वो ऐसे टाइम पर प्रत्यक्ष होता है जब भगवान के सभी बच्चे तमो प्रधान होने लगते हैं। कैसे होने लगते हैं? है तमो प्रधान होने लगते हैं, कोई कम और कोई ज्यादा, कोई ज्यादा पापी कोई कम पापी। तो खराब समय पर प्रत्यक्ष हुआ या अच्छे समय पर प्रत्यक्ष हुआ? है सतो प्रधान भी बच्चे तो थे, सतो प्रधान स्टेज वाले भी थे पहले, तब नहीं आया। कब आया? जब तमो प्रधान स्टेज बनी तब आया। तो नाम क्या पड़ गया? कुबेर। सब अपने अपने धंधे में फंसे हुए हैं। तो भगवान को डरोपा देते हैं, तू ऐसे टाइम पे क्यों आया? है अरे उसे टाइम पे आता, माताएं कहेंगी उसे टाइम पे आता जब मैं 16 साल की थी। है भाई लोग कहेंगे अरे मेरी शादी हो गई उससे पहले आ जाता, अब मैं फंस गया गृहस्थी के चक्कर में, तब आया। तो ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में सब तमो प्रधान है, अपने अपने धंधे में सब फंसे हुए हैं और बेहद में फंसे हुए हैं। हद में फंसे हुए की बात नहीं है, कोई कोई तो सोने की ही जंजीरों में ही फंसे हैं, कोई फिर सोने और लोहे दोनों की जंजीरों में फंसे हुए हैं। मना नष्टो मोहा बन ही नहीं पा रहे हैं, चाहते तो हैं क्या बन जाएं? है नष्टो मोहा बन जाएं, लेकिन चाहते हुए भी तो अच्छे समय पर आया या बुरे समय पर आया कुबेर? है बुरे टाइम पर आया है। अब जो हिम्मत करे, कहते हैं तो कुबेर की नगरी काशी नगरी में जाकर जो मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। अब काशी नगरी में जाके मरे कैसे? दुनिया छोड़े तब मरे या पहले से ही मर जाएं? है पहले से कैसे मर जाएंगे? दुनिया छोड़ेगी ही नहीं, गर्दन पकड़ लिए, मोह की फांसी लगी हुई है। बाबा की आदमी हाँ करो बाबा की याद, चलो अभी चलो। अरे थोड़े ही टाइम की तो है बाबा की याद, करो हिम्मत करो। अरे नहीं बाबा की याद करोगे? करेंगे चलो तैयारी करो जाके जाओ, फिर वापस आना नहीं होगा। मरने के बाद कोई वापस आता है क्या? है मरने के बाद कोई वापस आता है? नहीं आता। नहीं बाबा, बाबा साथ में रहे और ताकत दे तो क्या बात? बाबा साथ में गया, कंधे पे चढ़ के बैठेगा? हाँ साथ में रहने का क्या मतलब? बाबा तो कहते हैं जितना मेरे को याद करोगे उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बाबा को सुनाने की क्या जरूरत, ये तो आपकी अपनी बात है। छोड़ो संभा थोड़ो, ले आओ बोरिया बिस्तर, उठो छुट्टी मिल गई। उठ भी नहीं गए? हाँ हाँ मुनि माने जो मनन चिंतन मंथन करते हैं। क्या मुनि माने?
जिनका मन में मनन चिंतन मंथन खूब चलता है उनको क्या कहते हैं? मुनि। नारद मुनि थे कि ऋषि थे? नारद क्या थे? मुनि थे। चलता ही रहता था दिमाग है। ऋषि कहते हैं पवित्र को। क्या ऋषि कहेंगे या मुनि कहेंगे? अगस्त मुनि कहेंगे या ऋषि कहेंगे? अक्षर जो ऋषि हैं सप्त ऋषि, उन सप्त ऋषियों में अगस्त का नाम है, है? है? नहीं बाबा। सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार कहते हैं, काशी सागर क्यों नहीं कहते बाबा? जबकि बाप ने तो काशी को गंगा से ज्यादा मान दिया। कमाल है, काशी में आकर के ब्रह्मपुत्र मिलती है क्या? ब्रह्मपुत्र नदी ऊंची ऊंची स्टेज में बहने वाली है, पहाड़ों पहाड़ों पर रहती है ज्यादातर, या नीचे आकर के बहती है? ऊंची स्टेज में बहती है। अरे पार्वती को कहाँ दिखाया गया है? शंकर जी के साथ कैलाश पर्वत पर हमेशा दिखाते हैं कि नीचे मैदान में ज्यादा दिखाते हैं? कहाँ दिखाते हैं? कैलाश पर्वत वो ऊंची ऊंची स्टेज में दिखाते हैं। कैलाशी वासी की बनने से पहले भी कहाँ की वासी थी? किसकी पुत्री थी? हिमालय पुत्री थी। हिमालय पहाड़ तो ऐसे ही ऊंचा है, तो भी ऊंची थी। ऊंची माने पवित्र स्टेज। और जब कैलाशी वासी की बन गई तो और ऊंची स्टेज हो गई। तो काशी में आकर के क्या मिलती है? काशी में ब्रह्मपुत्र आके मिलती है क्या? है? नहीं मिलती। हाँ, काशी तब कही जाती है जब वरुणा नदी से गंगा नदी आकर मिलती है, तब कही जाती है काशी। तो काशी कहाँ और फिर गंगा सागर कहाँ? गंगा सागर तक पहुंचते पहुंचते तो ढेर नदियां गंगा में मिलती हैं जो नेपाल से आती है। कहाँ से आती है वो नदियां? नई दुनिया की पालने वाला जो स्थान है, जो देश है, उस देश से ढेर की ढेर नदियां उतर करके आती है। और कहाँ मिलती है? गंगा में आके मिलती है, फिर गंगा जाकर के ब्रह्मपुत्र में मिलती है, फिर दोनों नदी मिलकर के गंगा सागर का मेल कहा जाता है। और तो 18 अध्याय के बारे में तुम्हें किसने बताया? उनसे पूछो फिर, 18 अध्याय के बारे में तुम्हें बताया किसने? अरे 18 अध्याय कहाँ से शुरू होते हैं वो तुमको किसने बताया? उनसे पूछा नहीं तुमने? तुमने उनसे नहीं पूछा? तो पूछो उनसे। तुम्हें 18 अध्याय, ब्राह्मणों की दुनिया में 18 अध्याय भी चलते हैं गीता के, वो तुम्हें कब से पता चला? बताया किसने? तब उन्हें बताओ ये भी हमारे बाबा ने तुमको बताया, नहीं तुमको तो ये भी पता नहीं था कि ब्राह्मणों की दुनिया में 18 अध्याय भी हैं गीता ज्ञान के। और हाँ, जैसा स्थूल शरीर होता है वैसे ही सूक्ष्म शरीर भारी आत्मा होती है। स्थूल शरीर क्या? जैसे स्थूल शरीर होता है हाँ, वैसे ही सूक्ष्म शरीर भारी आत्मा होती है। वैसे ही सूक्ष्म शरीर भारी आत्माओं की क्या है?
स्थूल शरीर के पाप पुण्य फिर सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं। ठीक है, स्थूल शरीर जो होता है वो तो मिट्टी में मिल गया, अब पाप पुण्य किसके साथ रहेंगे? हैं? आत्मा के साथ रहेंगे। अगर सूक्ष्म शरीर भी आत्मा त्यागती है तो कब त्यागेगी? हैं? सूक्ष्म शरीर भी आत्मा तब त्यागेगी जब परमधाम वासी हो। परमधाम तब ही जाएगी जब सूक्ष्म शरीर भी, सूक्ष्म जो देह अभिमान है वो भी त्याग दे। इसका मतलब वो सूक्ष्म जो देह अभिमान है उसमें ही पाप भरे रहते हैं। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में निवास करता है, स्थूल शरीर छूट जाता है तो सूक्ष्म शरीर रह जाता है। सूक्ष्म शरीर तब छूटेगा जब जब आत्मा स्वच्छ बन जाए, सारे पाप खत्म हो जाए, शरीर ही खत्म हो जाए, शरीर मात्र माने सूक्ष्म शरीर मात्र भी, देह अभिमान जो सूक्ष्म है वो भी क्या हो जाए? खत्म हो जाए। और मरने के बाद शरीर को जलाते हैं तो शरीर तो जल जाता है पर हड्डियां मरने के बाद शरीर को जलाते हैं तो शरीर तो राख होता है लेकिन हड्डियां बचती है बाबा, तो क्या हड्डियां ये कहेंगे कि देह में देहभान भी? हड्डियों को और जलाओ तो क्या हो जाएगा? राखी हो जाएगी। हड्डियां भी नहीं बचे, हड्डियां भी क्यों बचे? जलाते ही रहो, जलाते ही रहो, जलाते ही रहो तो हड्डियां क्या होगा? वो भी राख हो जाएंगी। हाँ, ये तो जलाने वालों की कमजोरी है। अरे यज्ञ में हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है कि हड्डियां छोड़ देनी है? हाँ? हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। इसका मतलब ये है कि जो जलाते हैं चिता में स्थूल शरीर को वो पूरा जलाते नहीं है, यहाँ की बात है। पूरा ही योग अग्नि में हड्डी हड्डी स्वाहा कर दें। और जल जो है, जल है, जल पानी, हाँ पानी जो होता है क्या चीज है? पानी जो होता है तो क्या चीज है? तत्व है, पांच तत्वों में से एक तत्व है। बोलो क्या पूछना चाहते? जल जो है जाता है, प्यास लगने के बाद में वो जल लेने से प्यास बुझ जाता है, प्यास बुझती है। हाँ, है। हाँ? तो क्या चीजें उसके अंदर में प्यास बुझाने की शक्ति है? हाँ, आप गर्म जल पियो जल्दी प्यास आ जाएगी और ठंडा जल पियो तो प्यास बुझ जाएगी, देर में प्यास लगेगी जब आप खाना वाना खाएंगे। अग्नि का काम है गरम करना, जला देना, और जल का काम है शीतल कर देना। और जल कौन सी चीज से बनता है? जल बनता नहीं है, आत्मा जैसे नहीं बनती है वैसे जल भी बनता नहीं है, ये बना बनाया है। जैसे आत्मा बनी बनाई है कभी बनती नहीं है, ऐसे ही ये पांच तत्व भी बने बनाए हैं कभी बनते नहीं। हाँ, इनका रूप परिवर्तन होता है। जल को अग्नि में जला दो भाप बन जाएगा, भाप बहुत ऊंचे स्थान पे जाएगी, पर्वतों के पास जाएगी, बर्फ बन जाएगी, बर्फ से फिर पानी बन जाएगा।
बाबा जो पिताजी है तो वो आदमी के रूप में दिखता है, बोले तो उसका प्रकार क्या है? वो सबको दिखता है, आपको देखा तो आप झूठ क्यों बोलते हैं? लोग बोलते तो उसका क्या रहस्य है? कोई को हनुमान दिखाई पड़ता है। अब कोई को अगर हनुमान दिखाई पड़ गया तो क्या हनुमान होता है? हैं? नहीं होता। ऐसे ही ये भय का भूत है, जिनके अंदर भय बैठ गया ना, वो देह अभिमान के कारण भय बैठ जाता है, तो भय का भूत बन जाता है, पिशाच बन जाता है, डाकिनी बन जाती है, कब्बीस बन जाता है। बिल्कुल स्त्री जैसी स्त्री जैसा आपको दिखाई पड़ा? तो आप जो सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई। इसमें कोई नहीं बाबा, कुछ नहीं भय का भूत है। मुरली में बोला भूत क्या है? भूत कुछ भी नहीं, भय का भूत अपने मन का फितूर है। इसे दिखाई हनुमान नहीं दिखाई पड़ता लोगों को, गणेश जी नहीं दिखाई पड़ता क्या? मीरा को कृष्ण दिखाई पड़ा तो था क्या इस दुनिया में कृष्ण? नहीं है। सरस्वती, जगदम्बा, इन सबके मूर्तियां बनी हुई है, लेकिन काशी की मूर्ति के रूप में पूजा नहीं होती, केवल शंकर की नगरी के रूप में गाई हुई है, इसका बेहद ख्याल। अष्टदेवों की मूर्तियां दक्षिण भारत में ढेर सारी बनी हुई हैं, ढेर सारे मंदिर बने हुए हैं, ढेर लोग पूजा करते हैं। क्या बाप विदेशी बन करके आया है तो बाप के बच्चे भी क्या होंगे? विदेशी होंगे। तो भारत है दो भागों में बटा हुआ, एक वो भाग जो समंदर में डूबता नहीं है, क्या अविनाशी खंड भारत, और दूसरा है विनाशी भारत। तो जो विनाशी भारत का खंड है दक्षिण भारत, उसको बाबा ने बताया भारत का विदेश। तो जो विदेशी बच्चे हैं, भगवान के विदेशी बच्चे, वो कहाँ के रहने वाले हुए है? विदेश। भगवान बाप कहाँ से प्रत्यक्ष होता है? विदेश से प्रत्यक्ष होता है। अरे कोई पैदा होगा तो बाप के घर में पैदा होगा ना, है? तो पूछेंगे कहाँ से जन्म लिया, तो कहाँ से जन्म लिया है? कहेंगे बाप के घर से ही जन्म, बाप का जो देश तो बच्चे का देश। तो बाप विदेशी बन करके आया हुआ है तो आठों बच्चे भी विदेशी बन करके आया हुआ, काशी नगरी भी विदेशी। जो भक्ति करेगा उसको शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। नहीं, भगवान तो कहते हैं कि माया जो है वो सर्वशक्तिमान का टाइटल लेती है, जो ज्ञानी बच्चे हैं कितने? नहीं, 4.5 लाख। जो पहली पीढ़ी की प्रजा होगी उसकी कोई खसूसियत है, विशेषता है, जो और पीढ़ियों में वो विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता है? और पीढ़ियों में जो भी पैदाइश होगी वो ज्ञानी तू आत्मा नहीं होगी, और पहली पीढ़ी के यथा राजा तथा प्रजा सब ज्ञानी तू आत्मा है। 4.5 लाखवां बच्चा जो होगा वो भी बाप को पहचानने वाला होगा, जानने वाला होगा, मानने वाला होगा। तो ज्ञानी तू आत्मा है एक तरफ, और जो माया सर्वशक्तिवान है वो एक तरफ। जब परीक्षा लेती है
तो वो 4.5 लाख जो बच्चे हैं सबको फेल कर देती है कि पास हो जाते हैं, सबको फेल करती है। तो माया सर्वशक्तिवान हुई ना, बाकी ऐसे नहीं है कि शुक्राचार्य के पास ही संजीवनी विद्या है, सदगुरु के पास नहीं है, है? सदगुरु के पास भी है, जो सदगुरु है वो है शिव बाबा। माया जिनका अनिष्ट करती है बाप उसका उद्धार कर देते हैं। आखिरी माया नेस्त नाबूद हो जाती है, फिर बाप ही सर्वशक्तिवान गाया जाता है। भक्ति मार्ग में भगवान सर्वशक्तिवान माना जाता है कि रावण सर्वशक्तिवान माना जाता है, ठीक? तो बाप ने हमको बताया अभी संगम युग में क्या कि माया भी सर्वशक्तिवान है। और हाँ, सच्ची सीता और झूठी सीता के रहस्य को जानते हुए, सच्ची सीता और झूठी सीता के रहस्य को जानते हुए भी अग्नि परीक्षा ली राम ने, तो ये किस प्रकार की अग्नि परीक्षा है बाबा? दुनिया कैसे जानेगी कि ये झूठी है कि सच्ची है? भगवान तो जानते हैं, भगवान तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन झूठे बच्चे कौन है और सच्चे बच्चे कौन है और परसेंटेज में सच्चे कौन है परसेंटेज में झूठे कौन है, ये दुनिया को पता चलना चाहिए ना, नहीं तो लड़ाई लड़ेंगे। इसको 84 जन्म में क्यों डाल दिया, हमको क्यों नहीं डाला देवताओं की लिस्ट में? तो दुनिया को पता चलना चाहिए ना, इसलिए परीक्षा ली। बिना परीक्षा के पद मिल जाएगा क्या? मिलेगा नहीं मिलेगा? प्योरिटी की परीक्षा होती है और काय की परीक्षा होती है, हमें यही पता नहीं कौन सी परीक्षा है, है? इम्प्योर आत्मा होगी तो उसका बीसियों से लगाव लग जाएगा, और परम पवित्र आत्मा होगी है? उसका कोई से लगाव लगेगा ही नहीं सिवाय एक के। तो परीक्षा होगी तभी तो पता चलेगा, परीक्षा नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा? प्योरिटी की ही परीक्षा है, इसे प्योरिटी की परीक्षा कह दो, योग की परीक्षा कह दो, अरस परस है। बड़ा योगी होगा तो बड़ा पवित्र भी होगा, बड़ा पवित्र होगा तो बड़ा योगी भी होगा। और फुल बेगर टू फुल प्रिंस कहते हैं तो वो चैतन्य भारत के लिए कहा गया है, पर वो तो नरसिंह सीधे नारायण बनते हैं, प्रिंस तो बनते नहीं ना, नरसिंह सीधे नारायण बनते हैं। नारायण तो बादशाह होता है, बादशाह की बात कोई काट सकेगा काटेगा है? और प्रिंस की बात काट भी सकता है? प्रिंस की बात कोई माने ना माने, बादशाह की बात तो माननी पड़ेगी। तो अभी वो प्रिंस इस स्टेज में आ गया है कि जिसके सामने भी जाए जिसको भी डायरेक्शन दे तो उसे मानना पड़े, आ गया इस स्टेज में, बादशाह बन गया। और अपनी घरवाली के ऊपर तो पहले बन जाए जो बनने वाली है। भक्ति सर्वशक्तिमान है बोलते, माया सर्वशक्तिमान है, माया सर्वशक्तिमान है, भक्ति नहीं कभी बोला। क्या बोला? जो भक्ति को क्रिएट करने वाली है वो क्रिएटर, वो माया सर्वशक्तिमान है।
हाँ तो भक्ति के संस्कार रहेंगे तो शरीर छोटा पड़ेगा, बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। भक्ति को हमने कहा सर्वशक्तिमान बोला, जो भक्ति करने वाले भक्त हैं वो नंबरवार होंगे कि सब 100% शक्तिमान होंगे। क्या मोबाइल यहाँ दिखाने के लिए लाते हैं? देखो हम भी मोबाइल रखते हैं, हम दुनिया को कंट्रोल करने वाले कंट्रोलर हैं, पता नहीं कब कंट्रोल करना पड़े। दुनिया में कहीं कोई कंट्रोल से बाहर हो जाए तो हड़कंप हो जाएगा। ब्रह्मा ब्राह्मण नहीं बनता सीधा देवता बनता है। अगर ब्रह्मा ब्राह्मण नहीं बनता है, 100% ब्राह्मण नहीं बनता है तो देवता बनेगा है? नहीं बनेगा। पक्का ब्राह्मण बने तो पक्का देवता बने। अरे विष्णु फरिश्ता बनता है कि नहीं? तो फरिश्ता बनने के बाद क्या बनता है? देवता बनता है। और बाबा एडवांस नॉलेज में भक्ति नहीं है, आप क्यों बेसिक नॉलेज की बात कर रहे हैं? एडवांस में भी तो भक्ति है। फिर जो भक्ति है हाँ वो तो नीचे गिराने वाली है। अब एडवांस की भक्ति नीचे गिराने वाली नहीं है और क्या? भक्ति का नाम निशानी खत्म करो। उसको उन्हीं को ज्ञान क्यों सुनाते हैं? तुम्हें पता है कि ज्ञान ही सुनाते हैं, उसमें अज्ञान मिक्स करके नहीं सुनाते हैं। तो वो ही भक्ति है। जो मिक्स करके सुनाया जाता है वो विष होता है या अमृत होता है? विष होता है। और बाबा चार युग में आत्मा की चार स्टेज होती है, तो एक पांचवा युग संगम युग है, तो आत्मा की क्या यहाँ भी कोई स्टेज होती है ना? संगम माने संगम की स्टेज, कभी सात्विक कभी तामसिक नहीं होती। संगम युग में सात्विक और तामसिक स्टेज नहीं होती। जब सात्विक स्टेज होती है तो सरेंडर होने की दिल होती है। अब तो हम दुनियादारी छोड़ के कहाँ बैठ जाएं? भगवान के बनेंगे, हमें कोई अब दुनिया अच्छी नहीं लगती। और जब वो भगवान के बने हुए जो सरेंडर्ड हैं तामसी बनते हैं तो छोड़ के भागते हैं कि नहीं भागते हैं? है? भागते हैं। सरेंडर बुद्धि होते हैं तो स्टाम्प पेपर में निश्चय पत्र लिख देते हैं बड़ी खुशी खुशी। जब तवो प्रधान होते हैं, अरे हम तो ऐसे ही लिख दिया था, आराम से दूसरी पार्टियों में चक्कर लगाते हैं। तो संगम नहीं उनके लिए है। तामस और सात्विक दोनों का संगम हुआ ना, दोनों संगम है।